अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। आज आप देखें जी कि छुट्टी का पहला दिन है और क्या कहते हैं मंगल का दिन है। तारीख आज 27 जून 2023 है। तो छुट्टियों में मस्कत की रौनकें जो है ना वो मानंद पड़ जाती हैं। ट्रैफिक का ही रश होता है, वैसे तो मस्कत में है कुछ नहीं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स भी नहीं है, तो बड़े दो चार मॉल्स हैं, बाहर बाहर सड़कों के ऊपर ट्रैफिक ही ट्रैफिक है। पब्लिक साइकिल ट्रैक या वॉकिंग ट्रैक, जॉगिंग ट्रैक, इस तरह का सीन भी कुछ नहीं है। और छोटे मोटे एरियाज हैं जहाँ लोग थोड़ा घूम फिर लेते हैं, तो बहरहाल सड़कें जो है ना वो भरी होती हैं। तो आप देख लें कि छुट्टी जब हो, स्पेशली ईद की छुट्टियाँ हों या कोई नेशनल डे की या कोई वैसे तीन चार छुट्टियाँ हों, तो क्योंकि ओमानी लोग बहुत ज़्यादा हैं, वो रिमोट एरिया में चले जाते हैं अपने गांव में, अपने दूसरे शहरों में। एक्सपैट्स जो हैं वो भी फिर सोते रहते हैं ज़्यादातर। तो देखिए सड़क के ऊपर आज आपको इधर तो गाड़ी कोई नज़र नहीं आई, सिग्नल के ऊपर भी दो गाड़ियां खड़ी थी, वरना वहां भी अक्सर जो है मॉर्निंग सुबह 8-7-8 बजे जो है वो काफ़ी रश होता है। आपको सिग्नल्स पर भी इंतज़ार करना पड़ता है एक दो दफ़ा सिग्नल खुलने का। आज की यानी सूरत हाल ये है। मैं कोशिश करूंगा अगर कल टाइम मिला ना तो ईद के दिन की भी झलकियां आपसे शेयर करेंगे कि ईद के दिन में जो है ना मस्कत में क्या होता है। और चूंकि गर्मी है तो मैक्सिमम जो है ना वो इंडोर्स ही लोग घूमते रहते हैं, मॉल्स में चले जाते हैं या शाम को निकलेंगे कहीं पार्क में चले गए या जो वो हैं चले वो मूवी शूवी देखने चले जाएंगे। कह लें कि रेगुलर ट्रैफिक से मुकाबले में कुछ भी नहीं है। शाम में रश होगा, आवाम निकलेगी शॉपिंग मॉल्स की तरफ और बाकी शॉपिंग के लिए, ज्यादातर विंडो शॉपिंग के लिए निकलेंगे। गवर्नमेंट की तरफ से सैलरीज का भी कहा जाता है, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोगों की शिकायत है कि जी सैलरी नहीं मिलती हमें, और हम शिकायत भी नहीं कर सकते कंपनी की अरबाब की। जो बड़ी कंपनियां हैं अच्छी हैं और प्रॉपर सिस्टम के तहत चल रही हैं, सैलरीज बैंक में जाती हैं, कॉन्ट्रैक्ट 100% ऑनलाइन हो चुके हैं, उनका तो इशू नहीं है क्योंकि वो मॉनिटर हो रही गवर्नमेंट से, वो लाजमी पे करती हैं। बाकी जो छोटी मोटी कंपनियां होती हैं चेक करो, टैक्सी और टैक्सी से बच के रहा करें। सड़क और ठरक जो है ना आपको कहीं पे भी ले जा सकता है। और इसी तरह ओमान में जो टैक्सी वाले हैं ना, एक्सीडेंट में इनका ही बड़ा हाथ है, ये नहीं बेहद है। तो कहाँ थे हम, क्या बात कर रहे थे, चलें खैर जो अभी कर रहे थे बात समझ तो आप गए होंगे। हेलो, इधर भी लाइनें लगी होती हैं, आज इधर भी कोई शायद कोई ना, आपको एंड तक लेके जाते हैं सरूज तक, कुछ नहीं है। और बड़ा उदास उदास लगता है फिर ऐसे ना, रौनक ना हो तो। इस तरह मेहमान घर आए ना तो मेहमान चले जाएं तो बंदा बड़ा सुरता सा फील करता है, एक अजीब सी वो होती है अपनाइयत वो नहीं रहती। तो या बंदा कहीं मेहमान जाए और वापसी लौटे तो वापसी का सफ़र जो है ना हो, बचपन में ऐसा तो बहुत होता है हर किसी के साथ, बड़े हो के लोग जो हैं फिर वो आहो। बहरहाल हमें तो भैया हम केयर करते हैं, इन चीज़ों की फीलिंग्स होती हैं और रहनी चाहिए, समझ गए। तुसी कहना वीडियो बढ़िया बढ़िया बना के पाएंगे, पाएं तुसी भी कितों देखते हो, जब तक मसाला ना हो वीडियो को नहीं देखते। हमारे तो सब्सक्राइबर ऐसे स्मार्ट हैं, वो कहते हैं पाएं जो मनंगी हो गए आ जाओ, नहीं उनको अपने मतलब की चीज़ चाहिए, मैंने कल भी बोला था। तो बहरहाल ये सिलसिला तो कहीं नहीं रुकेगा। हाँ, जिन लोगों को मुँह पर एतराज़ है तो उन्होंने अरज है कि भाया तुम चौल पा खाने, ठीक है आपके काम की चीज़ है, देखो
पसंद कर रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, और ज़रूरत है तो कमेंट करो, ठीक है। बजाय इसके कि आप कुछ और तरफ ही निकल जाएं, जिस चीज़ से यानी आपका लेना देना ही ना हो, या फिर वो एक तबका भी है जिनको दसों घोड़े नहीं तो सुन दे, ठीक है ना। क्यों गुरबानी साहब इस तरह ही है ना, यानी उन्होंने दसों घोड़े दी और सुन दे ओड़े दी, वो आप क्या बोल रहे हैं, आपको आपको पता ही है ये सारी चीज़ें मैंने बताई हुई हैं। तो बी पॉजिटिव, और जिन रास्तों पे आपका चलने का कोई प्लान नहीं है, दूर दूर तक कोई उम्मीद नहीं है कि आप वहाँ से गुजरेंगे, गुजरना चाहते हैं या उधर भी जाना है रुकना है, तो उनके बारे में जानते भी नहीं है, ठीक है ना। या तो है ना कि भैया हमने हर जगह पे हम जो ही करनी है तो फिर तो ठीक है, चाहे में कोई चस्के वाले भी बड़े ने उस्ताद जी चलो लाइसेंस पैसे दे के ले आए, तो ये आपके सामने है जी, गाड़ी कोई नहीं थी दोनों तरफ, लेकिन रुकना है आपने। कुछ सिग्नल हैं जो मैनुअली भी मॉनिटर किए जाते हैं, तो वहाँ पर फिर अगर इधर उधर गाड़ी ना हो तो एक सिग्नल जहाँ पर हूँ गाड़ियाँ वो खोल दिया जाता है, या बाकी को कम टाइम दे के वो जल्दी, ऐसा है। बहुत सारे सिग्नल हैं मस्कत में भी ऐसे, जहाँ से हम पहले सिग्नल से वीडियो बनाना शुरू किया वीकेंड पे, वो भैया जिस तरह से मैं आता हूँ ओबरा लेक पार्क से, आपकी सोच है पाँच पाँच बार आपको वेट करना पड़ता है, क्योंकि उधर एक आधी गाड़ी होती है दूसरी तरफ ज़्यादा होती है। बहरहाल ये सूरत हाल है जी, मेरे ख्याल से ऑफिस में भी शायद पहला बंदा मैं ही हूँगा आज, हाउसकीपिंग स्टाफ होगा और मैं होना है, बाकी पता नहीं कौन आता है कौन नहीं आता। तो पाम पाले में भी मौजा, छुट्टियों में रश कम होता है, रेस्ट ही रेस्ट, बाकी भी रौनक इतनी नहीं है। तो ये सूरत हाल है जी, और क्या है, और आप लोग सुनाएं यार कोई बात किया करें, कोई गुल्ले माने पप्पे, कोई लाडियां शाडियां, कोई बात किया करो यार। आप चाहते हैं आपके इंटरव्यूज करें तो बताएं, जहाँ जहाँ आप रहते हैं वहाँ पहुँच के जो है ना आपकी वीडियोस बना के फिर वो शेयर किया करेंगे पब्लिक से। इसी तरह कुछ चले नया सिलसिला निकल आएगा, कोई पैसे बहुत ही आ जाएंगे, कोई इन्फॉर्मेशन शेयर होनी शुरू हो जाएगी, क्या कहते हैं। गड्डी इतने ला दिए फिर आज, कोई मसला नहीं, देखी जा सी। तो यह सूरत हाल है जी, आपने देख लिया चारों तरफ, जजाकल्ला, अल्लाह हाफिज़।